स्वागत है दोस्तों स्टार वर्ल्ड एकेडमी में। तो दोस्तों आज का बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, आज का सबसे बेहतरीन सेशन यूपी बोर्ड 10वीं क्लास के लिए है। ऐसे तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये फार्मूले हैं, तो आज का ओनली सेशन जो रहेगा फार्मूला सेशन रहेगा। तो इसको देख कर आप लोग जरूर जाएँ बोर्ड एग्ज़ाम देने, अन्यथा आपको थोड़ा सा कमी महसूस होगा। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से फार्मूले को तैयार किया है, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाएं ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छे से लिख कर आपका बेनिफिट हो। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला फार्मूला ज्यामिति से रहेगा। तो सबसे पहला फार्मूला यही है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 2.3 है तो एक बात तो क्लियर है कि इसमें जो भुज है वो एक्स वाला होता है, ये एक्स का मान होता है, और जो कोटि है उसको वाई का मान बोलते हैं। इसका मतलब भुज कहेगा तो ये एक्स का मान और कोटि कहेगा तो वाई का मान। तो अब मूल बिंदु का निर्देशांक आपको तो मालूम ही होना चाहिए कि 0, 0 होता है। अब एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0, वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0 होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इसको तो आप पहले कमिट कर लीजिए। दो बिंदुओं X1, Y1 तथा X2, Y2 को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई, अरे वो रेखाखंड की लंबाई को ही बीच की दूरी भी कहते हैं। तो ये तो आप लोग थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज जरूर करके जाना। X2 कर्डी के अंदर X2 माइनस X1 का पावर होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का पावर होल स्क्वायर। तो आइए और भी देख लेते हैं। देखो अब दूसरा में है, कोई भी बिंदु हो लेकिन अगर मूल बिंदु से दूरी कहेगा तो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, करनी में X1 का होल स्क्वायर प्लस Y1 का स्क्वायर। इसका मतलब कि बस जो दिया है इसका X1 का होल स्क्वायर प्लस Y1 का होल स्क्वायर, यानी करनी में रहेगा। अगला चौथा जो प्रश्न इस पर बनता है, दो बिंदुओं X1 Y1 तथा X2 Y2 को मिलाने वाले रेखाखंड M संबंध N1 के अनुपात में विभाजित करता हो, चाहे विभाजन करता हो, ये दो तरीके से होता है। एक अंतर विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन। अंतर विभाजन में ये सिर्फ सिर्फ यही रहेगा, x बराबर MX2 प्लस NX1 बटा में M1 प्लस M2, और y बराबर होता है MY2 प्लस NY1 बटा में M1 प्लस M2। देखो अगर बाह्य विभाजन पूछ देगा तो सिंपल बात है, हम लोग निकालें, जब बिंदु निकालना होता रहता है तो हम निकालेंगे क्या, MX2 माइनस NX1 बटा में M1 माइनस M2। अब y बराबर क्या होता है, यानी जो बिंदु रहती है MX2 माइनस NY1 बटा में M1 माइनस M2। अब आइए देखते हैं अगला, इस पर भी प्रश्न बनता है क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन 5 है कि बिंदुओं X1 Y1 तथा X2 Y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछेगा तो थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए मैं बता दे रहा हूँ। X बराबर होता है, इसको बना लीजिएगा X1 प्लस X2 बटा में 2 होता है। तो और y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2 होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, मतलब x2 भी बाद में कर सकते हैं, x1 भी बाद में कर सकते हैं, तो वो मतलब नहीं है। तो ये बिंदु हो जाएगा, तो इसको ज़रूर आप दोहरा के जाएंगे, इसको पोज करके आप नोट कभी कर सकते हैं। तो अगला आते हैं, इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इस वाले फार्मूले पर, यानी छठा फार्मूला क्या है। उस त्रिभुज जिसके शीर्षों का निर्देशांक X1, Y1, X2, Y2 और X3, Y3 के केंद्रक का निर्देशांक पूछेगा, तो सिंपल बस है कि X1 यानी तीनों को, यानी कि X1, Y, X2 और X3 को जोड़कर बटा में 3 से हम भाग दे देंगे। और Y के पूछेगा तो Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 बटा में 3 कर देंगे। तो आइए और थोड़ा सा भी प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि इस पर इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं।
इसी के रिलेटेड बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, तो फिलहाल इसको आप कंठस्थ करके रखें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका बेहतरीन नंबर आए और आप टॉपर भी बन सके। तो आइए अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस पर भी बनता है क्वेश्चन। बिंदु X1 Y1 X2 Y2 और X3 Y3 से बनने वाले, अब यानी तीन थे बिंदु दिया रहेगा, अगर पूछ सकता है तो आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 X1 कोष्ठक के अंदर Y2 -Y3 प्लस Y2 कोष्ठक के अंदर X2 कोष्ठक के अंदर Y2 -Y1 प्लस X3 Y1 -Y2। इसी तरह अभी बहुत ही मतलब आसान है, आपको बस कुछ भी नहीं याद करना है। पहले तो आप एक चीज़ याद रख लीजिए, 1, 2 और ये 3। अब आपको कुछ भी नहीं याद करना है, सबसे पहले ये रहेगा, यानी ये रहेगा, एक रहेगा, मतलब ये 130 से आप याद कर लीजिएगा। अब सबसे आसान प्रश्न है, इसको याद करने का तरीका भी है। अब X1 माने X रहेगा पहले, अब 23 रख दीजिए यानी कि 2, 3, फिर क्या रहेगा। अब देखिए इसमें बना क्या, अब इसमें एक चीज़ याद रखना है की ज़रूरत है, उसके बाद 21 होगा, 21 मतलब समझ सकते हैं आप लोग 21, यानी 21 फिर 12। तो इस तरह आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, संरेख में भी सेम वही होता है, संरेख में मतलब जो त्रिभुज क्षेत्रफल होता है ना, बस एक बात याद रख लेना, क्यों बाद भी एक ही चीज़ को बार बार याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई त्रिभुज, अगर कोई भी प्रश्न में संरेख की बात करता है तो जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी तीनों बिंदुओं के जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसके बराबर हम सिर्फ और सिर्फ 0 रख देंगे, यानी कि आप समझ सकते हैं ये फार्मूला नीचे आपको इंक्लूड किया गया है। तो ये था आज के लिए, बहुत ही बढ़िया है, आप इसको रिवाइज करें और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, ज्यामिति का है, इसको रिवाइज करके ज़रूर जाएं। तो आइए आपको एक और बता देते हैं, देखिए ये तैयार किया गया है त्रिकोणमिति पर, ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, सबसे सरल भाषा में इसको तैयार किया गया है। तो इसको एक बार जरूर रिवाइज करके जाएं, फार्मूले कंठस्थ करके जाएं। आप लोग जानते हैं गणित का मेन रास्ता फार्मूले से ही गुजरता है। तो आइए शुरू करते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले हैं तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोग जानते भी हैं पाइथागोरस प्रमेय, हम लोग सीखे भी हैं, लंब कर्ण और आधार से मिलकर बना है, पाइथागोरस का रूल और रेगुलेशन, इसको ही समकोण त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, इसको भी सबसे मेन बात है, लंब और कर्ण आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पर, कर्ण पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, कर्ण कैसे निकालते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर जानते ही हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण निकालना तो जानते हैं, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट SCT यानी लाल बटा कक्का, यानी तो आप जानते ही हैं पहले साइन रहता है, कॉस रहता है, टैन रहता है, ये क्या होता है, कोसेक रहता है, सेक रहता है और ये कॉट रहता है। सबसे आसान चीज़ है, तो आप लोग मालूम होना चाहिए। तो मैंने भी डिनोट कर दिया, L बराबर इक्वल टू कितना होगा, L बराबर हम लोग सुनते हैं लंब, A बराबर आधार, K बराबर कर्ण। तो इसको आप जरूर रिवाइज करके जाइएगा, इससे अलावा कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपसे कोई पूछ देगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं L/K। तो सिंपल बात है, और अभी इसको पूछ करके आप जरूर नोट करके जाइएगा। तो आइए कुछ और ही सवाल इस पर इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न में यही है, सबसे आसान तरीका एक ही है कि ये वाला वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट को आप पहले आप जरूर याद करके जाइएगा बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, यानी जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा उससे पहले आप ज़रूर देख कर जाइएगा, इससे बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसको थोड़ा जल्दी हम बोल दे रहे हैं आप, ताकि आपका रिमाइंड हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा साइन थीटा का, साइन थीटा में 0 अंश का मान कितना होगा, 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2, सॉरी कर्णी में 3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। जस्ट कॉस का रिवर्स कर देंगे, यानी कि जो सॉरी ये जो कॉस साइन है ना
उसका कॉस में उल्टा हो जाता है, इसका मतलब कि कुछ नहीं करना है, यानी कि कॉस में जो जीरो का मान होगा वो एक होगा, और 30 का मान करणी में 3/2 होगा, और 45 में 1/2 करणी में 2 होगा, और 60 में 1/2 होगा, और 90 में कितना हो जाएगा, जीरो। उसी तरह टैन का और किसका, टैन का और कॉट का सेम होता है, और किसका, बस सिंपल बात है, इतना आसान है ना। उसके बाद अब जो बचा है आप देख ही रहे हैं, सिंपल सिंपल सामने दिख रहा है, कोसेक का और किसका, एकदम सेम टू सेम। आज देख लेते हैं, 10 0 1 का मान 0, 10 30 का मान 1/2, 10 सॉरी इसको बना ले भैया, इसको आप लोग 3 बना लेना, ये 3 है, 1/3 होता है, और 45 का मान 1/2 होता है, और 60 का मान 2 और 90 मान इनफाइनाइट होता है। कोसेक का भी वही कितना होता है आप जानते हैं, 0 का मान इनफाइनाइट, 30 का मान 2, 45 का मान 2, 60 का मान 2 3, और जानते हैं 90 का मान कितना होता है, 1। उसी तरह सेक का 0 का मान 1 होता है, जस्ट रिवर्स, और 30 का मान 2/3 होता है, 45 का मान 2 होता है, 60 का मान 2 होता है, और 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट। उसी तरह सेम टू सेम कार्ट में आ जाइए, कार्ट 0 का मान इनफाइनाइट, कार्ट 30 का मान 3, और कार्ट 45 का मान 1, कार्ट 60 का मान 1/3, और बचा है लास्ट कार्ट 90 का मान 0 होता है। तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न इस पर बनते हैं। ये फार्मूला आप जरूर कंठस्थ करके जाइएगा, इसको देखकर आपको बहुत सारे क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। तो आइए इस पर क्वेश्चनों पर बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको बार बार रिवाइज करिए। तो आइए शुरू करते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट फार्मूला यही है कि साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा बराबर होता है 1। अब इसी का कन्वर्जन बस थोड़ा सा कन्वर्ट किया गया है, तो साइंस को थीटा बराबर 1 - कॉस को थीटा, कॉस को थीटा बराबर 1 - साइंस को थीटा। तो ये आप लोग जरूर नोट कर लेना। अब सेक में आ जाइए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + 10। देखो इसमें कन्फ्यूज होता है थोड़ा, तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा टेन स्क्वायर का मान कितना, सॉरी सेक स्क्वायर का मान हमेशा ज़्यादा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 square θ, तो बस इसको उलट दीजिए तो बन जाएगा क्या, 10 square θ बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 square θ बराबर 1। तो फिलहाल बहुत आसान है, इसको याद जरूर कर लेना आप लोग। कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot² θ, इसको बस थोड़ा सा बदल दिया गया है, तो cot² θ बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये सब नोट पावर है, और थोड़ा सा और भी देख लीजिएगा, tan 2a बराबर होता है 2tan 1 - tan 2a होता है। तो फिलहाल और आइए देखते हैं, थोड़ा सा और प्रश्न भी है इस पर, देखिए भाई इससे बहुत ही प्रश्न अच्छा अच्छा बनता है, तो इसको आप लोग जरूर रिवाइज करके जाना है बोर्ड एग्जाम देने। तो आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि साइन पर, अगर साइन में अगर बनता है, देखो साइन में दो होता है, एक ए प्लस बी और ए माइनस बी पर आता है, यानी बहुत इस पर 100% क्वेश्चन आते हैं, तो फिलहाल इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। साइन ए माइनस बी में साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, जस्ट एक आपको ये ध्यान, बस इतना ध्यान देना है उसके बाद याद हो जाएगा, इसका मतलब इसमें तो सेम टू सेम है, ठीक है। आइए अगला है, कॉस ए प्लस बी में इसमें बस एक बात याद रखना, कॉस ए इंटू कॉस बी होता है, माइनस होगा यहाँ प्लस रहेगा, तो यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, और साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए टेन पर कैसे प्रश्न बनते हैं, ये भी बहुत आईएमपी प्रश्न है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाया जाता है। तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 + टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो होता है टेन ए माइनस टेन बी बटा में 1 - टेन ए इंटू टेन बी होता है। तो आइए थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं,
हम लोग जानते हैं ये कन्वर्जन आपको जरूर याद होना चाहिए, ये एकदम अच्छे प्रश्न हैं। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है एक, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है एक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है एक, ये भी कन्वर्जन बहुत अच्छा है। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। इसमें से आप कुछ तो जरूर फार्मूले याद होंगे, लेकिन बस रिमाइंड के लिए मैं आपको ये रिवाइज करा दे रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम देने से पहले आपको एक बार ज़रूर इसको देख कर जाइएगा। तो और लास्ट थोड़ा सा बचा है, कह रहा है कि साइन टू ए बराबर होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आता है कॉस थीटा बराबर वही कॉस टू थीटा बराबर हो जाएगा, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे आप तो इसी के बराबर लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, या वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। तो इसको आप बार बार रिवाइज करिए, रिपीट करिए, एग्ज़ाम देने से पहले इसको देख कर जाइए, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स बढ़ सके और हमारा ये हेल्प ज़रूर कामयाब हो सके। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन लोगों का भी एग्ज़ाम है, तो हो सके तो आपके माध्यम से उनको थोड़ा जो भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, तो इन फार्मूले को जरूर बार बार रिवाइज करके और ध्यान से इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, होप यू लाइक, और अब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, फिलहाल अब उतना रहने देते हैं। तो ओके ओके बाय, जय हिंद जय भारत।